दोस्तों नमस्कार मैं सतीश शर्मा जाफराबाद दोस्तों गांव जाफराबाद के पड़ोसी गांव साबोता में हूँ यहाँ गांव के सबसे बड़े परिवार के जो राजेश जी मेरे साथ बैठे हुए उनके साथ हूँ राजा रामरिक का यह परिवार है परिवार के राजेश शर्मा जो है राजा किशन के नाम से घर का देसी घी बना रहे हैं और आपको गाय या भैंस का असली खालिश शुद्ध घी यदि आपको प्राप्त करना है तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी कैसे तैयार करते हैं इस देसी घी को आप मेरे सामने देख रहे हैं एक तरफ ये गाय का शुद्ध घी है ये भैंस का घी है और ये इसका मक्खन है राजेश जी अपने डेरी की जो भैंस और गाय है उनके दूध से ये असली मक्खन निकालते हैं घर पर ही घर के तमाम लोग इस काम को करते हैं और उसके बाद ये शुद्ध देसी घी तैयार करते हैं कितनी गाय भैंस पाल रखी हैं आपने हमारे पास हम चार भाई हैं चारों भाइयों के पास में मिला के दस भैंस हैं चार गाय हैं दूध कम होता है तो हम गाँव में से पड़ोसियों से भी दूध खरीद लेते हैं और उसका फिर हम दूध उबाल के उसे जमा के सुबह दही चला के मक्खन निकाल के मक्खन गरम करके ये असली घी बनाते हैं अब ये गांव में दूध कुछ आप खरीदते हैं तो किस भाव पर मिल जाता है गांव में गांव में दूध नंबर के हिसाब से मिलता है सही पैमाना पैंसठ नंबर होता है साठ नहीं होता पैंसठ नंबर होता है, जी हाँ तो, तो पैंसठ नंबर का दूध अभी हमारे गाँव में चालीस रुपये लीटर है जी बाकी हमारे गांव की फैट ज़्यादा रहती है अच्छी फैट होती है तो आ, हमें दूध पचास रुपये लीटर मिलता है।, मिलता है अच्छा ये बताइए कि आप पहले तो बताओ राजेश जी ये गाय का भी घी है और भैंस का भी घी है ये मक्खन है आपका ये जो माल है एकदम शुद्ध है इस बात की गारंटी हमारे दर्शकों को कैसे देंगे आप तो मेरे यहाँ खाने की रहने की सोने की हर तरह की व्यवस्था है दूध निकालने के टाइम पे आओ शाम को अपने सामने दूध निकलवाओ अपने सामने उबलवाओ अपने सामने जमवाओ सुबह अपने सामने चला के मक्खन निकाल के और अपने सामने घी तैयार करा के ले जाओ क्वालिटी जब अपने आगे बनेगी तो आपको पता चलेगी कि प्योरिटी है दूसरे कितने दूध में कितना घी कितना घी तैयार हुआ अच्छा यही पता लगेगा ये भी साथ भरोसे के साथ और दावे के साथ ही अपने घी को शुद्ध बता रहे हैं आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ अपने सामने मक्खन से घी निकलवा करके देख सकते हैं क्रीम से भी लोग घी बना रहे हैं दोस्तों लेकिन क्रीम के घी में घर वाली बात नहीं होती घर वाली बात तो तभी होती है कि जब दूध को गर्म करके उसको जमाया जाता है दही बनता है दही से मक्खन निकाला जाता है मक्खन के बाद उसको गर्म करके ये शुद्ध देसी घी बना जाता है आप इसे कितने क्या कितने रुपए किलो के भाव से बेच रहे हैं ये बताइए हम इसे एक हजार रुपए किलो देते हैं ये भैंस वाला जो आप? ये भैंस वाला जी गाय वाला पंद्रह सौ रूपये किलो अच्छा गाय वाला ये जो हम देख रहे हैं ये पंद्रह सौ रूपये किलो है जी। अच्छा अच्छा, अच्छा। अच्छा कोई ये लोनी ये मक्खन खरीदना चाहता है तो मक्खन भी देते हैं मक्खन भी देते हैं अच्छा ये मक्खन जो है ताज़ा कैश किस भाव में देते हैं आप इसके? ये सात सौ रुपये किलो देते हैं अच्छा सात सौ रुपये किलो देते हैं अब ये बताइए राजेश जी कित... आ, कितने दूध में कितना घी निकल के तैयार होता है एक किलो दूध एक किलो घी है वो कितने दूध में तैयार होता है ये दूध किस फैट का है उसके ऊपर डिपेंड करता है जी 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 तो जो हमारा दूध है उसमें ये सोलह लीटर दूध में जी एक किलो घी तैयार होता है सोलह लीटर दूध में एक किलो घी तैयार होता है जी तो सोलह लीटर दूध आठ सौ रुपये का हो गया हमारे गांव के हिसाब हाँ। से हाँ, पंजे अस्सी। का हो का दूध 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 घी हो हो गया हाँ। ठीक है उसके बाद में इसे उबालने के लिए लकड़ी जलती है फिर बिलोने के लिए बिजली खर्च होती है फिर मक्खन गर्म करने के लिए घी बनाने के लिए फिर से लकड़ी जलती है तो इसकी कीमत इसलिए हमने एक हज़ार रुपये रखी तो ये तो जितनी लागत लग रही है उतना ही आपको इससे मिल पा रहा है लेकिन और कैसे फिर डेयरी चला पाएंगे खर्च पानी और भी है बाकी कई लोग इसमें काम धाम करते हैं तो और क्या इसका जो मठा है तो उससे कुछ उससे भी कैसे आप खाना पूरी कर लेते हैं अपने इसके धंधे की ये हमारे पास चालीस किलो दूध होता है एक दिन में एक दिन में चालीस किलो तो चालीस किलो दूध की जब हम घी निकालने के बाद में मठा बचती है वो अस्सी लीटर असी हो जाती है। जी जी तो अस्सी लीटर मठा हम ये जो नान छोले भटूरे पूड़ी सब्जी बनाते हैं अच्छा, अच्छा। वो रायते के लिए हमारी छाछ इस्तेमाल करते हैं जी जी जी। हम उन्हें दस रुपये लीटर में छाछ देते थे उससे हमारे बाक़ी खर्चे निकल आते निकल आते हैं तो आपने सुना किसान भाइयों राजेश जी का कहना ये है कि ये जो मक्खन निकालते हैं जिस दही से उस मठा को यानी छाछ को आसपास के जो कस्बे हैं उसमें सप्लाई हो जाती है और दस रुपये लीटर के हिसाब से उस छाछ की सप्लाई हो जाती है उसमें स्वाद अलग होता है और ये मठा कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम यानी उस दूध से मक्खन मिला मक्खन से घी मिला और उस मक्खन के बाद जो अवशिष्ट बचा जिसे छाछ कहते हैं वो तो दस रुपए किलो के हिसाब से बच, बिक जाती है और यदि कुछ कोई किसान भाई इकट्ठे घी लेना चाहते हैं तो रेट यही रहता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है हमारा रेट और क्वालिटी एक ही है छत्तीस बत्तीस निन्यानवे बानवे नंबर है आपका एक नंबर सुना और समझा आपको एक हज़ार रुपये किलो से कम में भी बाज़ार में ये देसी घी के नाम पर मिलावट का घी उपलब्ध हो सकता है लेकिन दोस्तों वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है आप लेकिन इस घी को आप जो अपनी आँखों के सामने बनवा कर खरीद सकते हैं या विश्वास के साथ खरीद सकते हैं इस पर लागत ही लगभग एक हज़ार के आसपास आ रही है मैं सतीश शर्मा जाफराबादी साबोता जेवर उत्तर प्रदेश से नमस्कार